एमपी के बैतूल में विभिन्न मांगों को लेकर आशा उषा कार्यकर्ताओं द्वारा जिला स्तर पर विगत 15 मार्च से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिनकी प्रमुख मांग है कि वेतन वृद्धि की जाए, जिसको लेकर बैतूल आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया, जिसके विरोध में आशा उषा कार्यकर्ताओं द्वारा जिला स्तर पर रोजाना सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी आवाज को बुलंद करने मध्य प्रदेश आशा उषा संघ की प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कौरव बैतूल पहुंची और चल रहे धरना प्रदर्शन को समर्थन देते हुए भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर बरसी। लक्ष्मी कौरव ने बताया कि आशा उषा कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है। आशा उषा कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने वो बैतूल आई हुई है। मेरा नाम लक्ष्मी कौरव है और वर्तमान में मध्य प्रदेश आशा आशा प्रेग्नेंट श्रमिक संघ में प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। हमारी 15 मार्च 2023 से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल चालू है और इसमें बैतूल जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिले कार्य से प्रभावित हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग की सभी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और हमारी प्रमुख मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, आशा को 18,000 न्यूनतम वेतन और सहयोगी को 26,000 का वेतन दिया जाए। लेकिन तब तक ये सरकार देने का सोच रही हो या नियम बनाती हो, तब तक हमें 24 जून को जो 2021 में प्रदर्शन के दौरान तय किया गया था नेशनल हेल्थ मिशन की संचालिका छवि मैडम के द्वारा कि आशा को 10,000 दिया जाएगा और सहयोगी को 15,000, वो तुरंत एरियर सहित भुगतान आरंभ किया जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।